एक बात आप और हम सभी मानते हैं कि पहाड़ सबसे अलग हैं, पहाड़ जितने खूबसूरत हैं उतने अलग हैं, और अगर पहाड़ अलग है तो पहाड़ों के लिए डेवलपमेंट प्लान भी अलग होना चाहिए। हम लंबे वक्त से एक बात सुनते आ रहे हैं, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेकिन क्या आपको पहाड़ों में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नज़र आती है? अगर नहीं तो सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर ये डेवलपमेंट यहाँ नज़र क्यों नहीं आ रही। जो बड़े बड़ी बातें और दावे किए जाते हैं वो ग्राउंड ज़ीरो पर क्यों नहीं है? इस समय मैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के रिज मैदान पर मौजूद हूँ और यहाँ पर एक हंगर स्ट्राइक चल रहा है, और हंगर स्ट्राइक पर कोई और नहीं बल्कि शिमला के पूर्व डिप्टी मेयर बैठे हैं। सबसे पहले जो आपकी और मेरी समझ की आसान बातें हैं वो मैं आपको बता दूं कि हिमाचल के विकास के लिए यहाँ पर मांग हो रही है। पहली मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में जाँच आयोग का गठन हो, साथ ही साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो 4 लेन बना रही है कंपनी उस पर मुकदमा चलाए। आपने देखा है कि किस तरह से जो निर्माण हो रहा है 4 लेन का वो कहीं ना कहीं खतरनाक है। जब आप कालका से शिमला की तरफ चलते हैं तो वहाँ आने में डर लगता है। तीसरी मांग है राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की, और चौथी मांग राज्य की कमज़ोर जल समूह को मानचित्र शुरू करने की है। पांचवी मांग यहाँ पर है पर्वत निर्माण की टास्क फोर्स गठन करने की। अब ये तो वो बातें हैं जो आप और मैं आसानी से समझकर पढ़कर समझ ले रहे हैं कि आखिर ये क्या मांग की जा रही है। लेकिन क्लाइमेट स्ट्राइक, ये अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प शब्द है। क्लाइमेट स्ट्राइक क्या है, इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिमला के पूर्व डिप्टी मेयर टिकेंद्र पंवर जी। सर, ये 5 मांगें हमें आसानी से समझ आ गई कि आप क्या मांग कर रहे हैं, लेकिन ये क्लाइमेट स्ट्राइक, सर ये क्या है क्लाइमेट स्ट्राइक, आसान भाषा में समझाएं अगर आप। ये सब क्लाइमेट है ही नहीं इतना आसान भाषा में, लेकिन मैं क्लाइमेट स्ट्राइक दरअसल एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की है। उसका मतलब ये है कि हमारा अस्तित्व, हम बचेंगे या नहीं बचेंगे। क्यों? क्योंकि जो विकास का रास्ता हम लोग अख्तियार कर रहे हैं और जो हमने किया है पिछले 30 सालों में, 3 दशकों में, वो रास्ता दरअसल टिकाऊ नहीं है। क्योंकि उसमें ये कहा गया कि आपको अपने रिसोर्सेज को जनरेट करने हैं, और उसके लिए आपको जो आपके प्राकृतिक रिसोर्सेज है उसको हमने बेचना शुरू कर दिया। पानी बेचना शुरू किया हाइड्रो पावर के माध्यम से, टूरिज़्म के लिए हमने 4 लेन बनाना शुरू किया, और अभी आप कह रहे थे कि दोनों हमारे टूरिज़्म के जो बड़े एरिया हैं सब ठप पड़े हैं। तो ये जो रैपिड डेवलपमेंट है इसने हमें फंसा दिया है आज, और डेड एंड पर आ गया है। इसलिए, और जल क्लाइमेट इसलिए कि जलवायु परिवर्तन जो लोग समझते थे कि नहीं ये तो भैया कुछ मतलब बहुत ही एलीट कुछ काम है और हमारे समझ से परे है, अभी ये दिख रहा है कि ये एंथ्रोपोजेनिक है। जो क्लाइमेट साइंटिस्ट बोल रहे हैं उसका मतलब एंथ्रोपोजेनिक का मतलब ये है कि ये भी इंसान द्वारा ही हुआ है, और जिसमें कार्बन एमिशंस की वजह से आज ग्लोबल वार्मिंग है, उसका असर क्या हो रहा है वो साइंटिस्ट बोल रहे हैं। उसका असर क्यों हम इतना चिंतित हैं हिमालय पर्वत पर, क्योंकि वो वैज्ञानिक बोल रहे हैं, और जो आपने असर अभी हिमाचल में देखा है वो बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान के जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें 2 क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं। उसमें कोस्टल इंडिया, जो आपका अगर बॉम्बे इसी तरह रहा 20 साल में आधा बॉम्बे डूब जाएगा, और हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत इसलिए कह रहे हैं कि एक तो ये यंगेस्ट रेंज है, इसमें अभी भी प्लेट मूवमेंट हो रही है, और दूसरी बात यह है कि इसमें प्रेसिपिटेशन लेवल चेंज हो रहा है। प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश का जो बदलाव हो रहा है। बारिश का बदलाव का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए पहले आपके 10 दिन में बारिश पड़ती थी, तो वो 10 दिन की बारिश अब आपके 2 दिन में पड़ जाएगी, तो बारिश ज़्यादा होगी। तो अगर बारिश ज़्यादा पड़ेगी और आपका सरफेस हार्ड है और वो पानी को नहीं सोखने की क्षमता रखता है, तो वो क्या करेगा, वो फ्लडिंग करेगा, वही हम देख रहे हैं। और विकास का रास्ता ऐसा हुआ है कि हमने लैंड यूज़ बहुत तेज़ी से परिवर्तित किया है, चाहे वो हाइड्रो पावर बना रहे हैं हम, चाहे रोड्स बना रहे हैं, चाहे हम लोग मतलब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, एक जो नई मिडिल क्लास हुई है, तो वो टिकाऊ रास्ता नहीं है वो। हम इसलिए जो क्लाइमेट स्ट्राइक है कि ये क्लाइमेट के साथ जुड़ा हुआ है। और हम जो सोच रहे थे कि हम 4 लेन करेंगे और हमारा टूरिज़्म बढ़ेगा, अभी हम देख रहे हैं कि हमारा तो 12,000 करोड़ हम आँक रहे हैं फिजिकल एसेट्स का नुकसान हिमाचल में, लेकिन 1,000 करोड़ हम वो गिन नहीं रहे हैं जो सिर्फ टूरिज़्म होटल को, उसके साथ साथ हम उसकी दुकान, उसका जो अपना जो टैक्सी वाले हैं उनका तो नुकसान हम गिन ही नहीं रहे हैं अभी तक। तो ये ह्यूज क्राइसिस है, और ये एग्जिस्टेंशियल इसलिए कि इकोनॉमी बर्बाद होगी, लोग मर रहे हैं, 500 ज़्यादा लोग मर गए हैं, तो ये बदलना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे नो मीन्स नो होनी चाहिए, आपको पानी के आसपास बिल्कुल नहीं अलाउ करना चाहिए, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत आपको कमीशन ऑफ इंक्वायरी गठित की जानी चाहिए, जो ये तय करे कि हम डिटेल में जाएं, पूरी डिटेल में क्या पॉलिसी में परिवर्तन हो सकता है। तो इस स्ट्राइक के माध्यम से, और जैसे नेशनल कैलेमिटी डिक्लेयर करें, थोड़ा पैसा भी आए,
तो इसके ये दरअसल स्ट्राइक एक टोकन है सेंसिटाइजेशन के लिए, ताकि लोग सेंसिटाइज हों और वो भाषा जो हम भाषा इस्तेमाल नहीं करते थे आज तक, क्लाइमेट की भाषा, उस क्लाइमेट की भाषा को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाएँ, क्योंकि क्लाइमेट जुड़ा हुआ है साहब, आपके रोज़गार बैंड बज गया है यहाँ पर शिमला में। आप जाइए ज़रा रेस्टोरेंट्स में घूम कर आइए, मक्खी मारने को भी टाइम ये है। तो शायद तब पता चले अगर सरकारी अधिकारी की एक महीने के लिए तनख्वाह रोक दी जाए तो उन्हें पता लगे कि क्या होगा। वो सबके ही जाएगा, मतलब वो भी बचेंगे क्या? आपका अगर फिजिकल मतलब क्राइसिस इतना होगा, वो भी कहाँ बचेंगे? तो ये सब इंटीग्रेटेड सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेटेड नहीं है। तो इसलिए ये अगर तो ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है क्योंकि ये जो हमारा हैबिटेट है, हमारे पर्वत है, उनको तबाह कर रहे हैं और उसके साथ साथ हमारी जो आर्थिकी है उसका भी नाश कर रहे हैं। तो ये टिकाऊ नहीं हो सकता, ये डेड एंड पर है। तो क्या होगा अल्टरनेट? कुछ हमारे पास आइडियाज़ हैं, तो कुछ आपके पास हैं, कुछ सबके पास हैं, तो इसलिए वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी के तहत हमें मतलब उस पर जाना चाहिए। और इस सरकार में वो विंडो मिल रही है आपको, मतलब दिख रहा है थोड़ा रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है, तो उम्मीद है कि अगर वो करेंगे तो अच्छा है, मतलब स्टेट के लिए भी, लोगों के लिए भी, क्योंकि ये एक मॉडल जो डॉक्टर परमार का 90s तक बिल्ड हुआ, जो कि काफ़ी प्रो पीपल मॉडल था, उसके बाद 90s के बाद दूसरा मॉडल शुरू हुआ जिसमें कहा रैपिड डेवलपमेंट करो, बहुत तेज़ी से रफ्तार करो, लेकिन अभी देखा हम वो डेड एंड पर आ गया है। तो तीसरा मॉडल बिना उसकी डिसरप्शन के नहीं हो सकता, वो क्या मॉडल होगा उसकी डिस्कशन किया जाना बहुत जरूरी है। सर, शासन पर प्रशासन का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है, तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं क्या उन्हें ये बातों का पता नहीं है? ये जो मूल बातें आप बता रहे हैं कि यंग हिमालयन रेंज है और अभी प्लेट्स की मूवमेंट है, अधिकारी जानते नहीं या जानकर भी बताना नहीं चाहते? सब कुछ जानते हैं, लेकिन आप देखिए जो अभी गवर्नेंस आर्किटेक्चर है और जो फाइनेंशियल फिस्कल आर्किटेक्चर है वो इतना ज़्यादा अलाइंड है, मतलब अगर मैं थोड़ा दूसरी भाषा बोलूँ वेस्ट के, कि उससे बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। लेकिन ये क्लाइमेट आपको छोड़ेगा नहीं, आपको निकाल के क्यों? क्योंकि पहले इवेंट होता था, जैसे मैं कहीं और बोल रहा था कि रात गई बात गई वाली बात थी कि हो गया फिर कभी, अभी ये आपको रात गई बात गई नहीं छोड़ेगा क्लाइमेट, और हर साल आएगा आपके आगे पीछे सब जगह आएगा, तो कहाँ बचेंगे आप? तो आपको सोचना पड़ेगा ना, आप सिर्फ ये नहीं सोच सकते ना कि कृष्णनगर में 4 मंजिल बन गया भाई घर, ऐसे थोड़ी ना है यार। कृष्णनगर आपको अपने लॉयर चेम्बर्स नहीं दिख रहे हैं, आपको IGMC नहीं दिख रहा है। तो ये ओवरऑल फॉल्टी मॉडल है, ये इनहेरेंटली फ्लॉड है, इसलिए इसमें छोटी मोटी नहीं है, इसमें कंप्लीट सिस्टम में डिस्कशन की ज़रूरत है। मैंने कहा आप पूरा डिसरप्शन लाकर सिस्टम बदलो, लेकिन बहुत सारी जगह पर ये शुरू हो गया है प्रोसेस, वेस्ट में हम देखते हैं काफ़ी शुरू हो गया है। तो ये अब ज़रूरत है कि इस भाषा में हम अपने यंग जनरेशन को तैयार करें, और प्रशासनिक अधिकारी अच्छी तरह जानते हैं लेकिन उनका आर्किटेक्चर उनको अलाउ नहीं करता है कि वो उस बारे में कुछ करे। मतलब आप समझ सकते हैं कि बाबू का क्या काम होता है सिस्टम में रहकर, सिस्टम में ही बेस्ट परफॉर्म करना, लेकिन ये सिस्टम में रहकर नहीं, ये सिस्टमिक क्राइसिस है, इसलिए मैंने बोला एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। तो वो बिना डिस्कशन किए, बिना डिबेट किए आप नई बात नहीं कर सकते। सर, अब करें क्या? क्योंकि जो राजधानी है तो हर किसी को लगता है कि मैं अपने बच्चों को राजधानी में पढ़ाऊं, यहाँ पर सरकारी कार्यालय हैं तो ये देखते हैं जाहिर तौर पर कि सरकारी कर्मचारियों की संख्या भी है, और जिन चंद हज़ार लोगों के लिए बसाया गया शिमला में देखते लाखों की भीड़ हो गई, तो अब बच्चों को पढ़ाई से भी रोक नहीं सकते और आपको फिर मूलभूत सुविधाएँ भी चाहिए, अब करें तो करें क्या? ये तो सरकार भी पूछ रही कि समझ नहीं आ रहा, समझ से बाहर हो गया कि क्या करें। देखिए वही बात है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना दो ना, साल तक होने दो, लोगों को आने दो राय के साथ, लेकिन तुरंत अगर आप मेरे से पूछें क्या करें, तो क्यों ना राजधानी तो चलो ना बदलो, आप हाई कोर्ट को बदल दो या से शिफ्ट कर दो, आप कुछ बड़े डिपार्टमेंट्स, अब तो ऑनलाइन ज़माना है ना, आपका कंप्यूटर पे बैठ के आप ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हो कहीं भी, तो आप कुछ सेक्रेटरीज़ को यहाँ से उठा के कहीं और डाल दो, तो आप बहुत कुछ यहाँ से शिफ्ट कर सकते हो और वो स्पेस फिर आपका टूरिज़्म ले सकता है, तो आप डीकंजेस्ट कर सकते हो। और मतलब सिर्फ आप ये सोचें कि सैटेलाइट टाउन बनाएंगे, मैग्नेट टाउन बनाएंगे, आज मैं आपके स्टेटमेंट दे रहा हूँ आपके उसमें ये सवाल ही उठता बन जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी जो बहुत बड़ा संकट है, अभी किसके पास क्षमता है साहब कि वो मतलब रियल एस्टेट डूब गया है। ब्लैकस्टोन जो सबसे बड़ी कंपनी है रियल एस्टेट की, वो आज दिवालिया के उस पर जा रही है, मतलब आप आर्थिकी देखो ना, कौन आएगा? मतलब आपके पास भी अगर पैसा, मैं बोलूँ आप जुबड़ेटी आओगे पैसा लगाने, आप बॉम्बे जाओगे यार, कौन आएगा? तो यू नो लेट्स नॉट बी वेरी एथेरियल, मतलब हम हवा में बात ना करें, थोड़ा रियल होकर बात करें। तो इसलिए ज़रूरत ये है, तो इसलिए हम बोलते हैं प्लानर्स को बटर पेपर मत दो भाई, वो हमेशा सर्कल बनाते हैं फिर वो उसका एक और सर्कल बनाते हैं, उनको देना है तो एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर की टेक्निक दो, ताकि जो शहर मौजूद है उसमें थोड़ा काम करें, उसी में बेहतर तरीके से काम करें।
और इसलिए आप कुछ को शिफ्ट कर सकते हो यहाँ से, जैसे कुछ डिपार्टमेंट्स को, तो आप डीकंजेस्ट शहर को कर सकते हो, तो कुछ उसका डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। और एक जो थ्योरी हम लोग पहले उसमें आर्ग्यूमेंट बिल्कुल नहीं मानते थे, लेकिन अब लगता है उसमें डिबेट की बहुत ज़रूरत है, वो है कि आपकी कैरिंग कैपेसिटी पर डिस्कशन होनी चाहिए। शिमला 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, कितने लोग हैं यहाँ पर? क्या 3 लाख तो वैसे भी नहीं होंगे यहाँ पर, क्योंकि आपकी क्षमता ही नहीं है, लेकिन मुझे लगता है तो वो एक आपको देखना चाहिए। लेकिन उसका एक एक्सट्रीम एंड है कि रूइंस में भी नहीं ले जा सकते ना, शहर को तबाह भी नहीं कर सकते। अब आपका जैसे टूरिज्म अभी बोल रहा है, तो हिस्टोरिकली आप देखेंगे बहुत सारी शहर ऐसे है जो रूइंस में चले गए कुछ इन्हीं कारणों की वजह से। तो द पॉइंट इज़ कि डिबेट हो, पॉइंट इज़ डिस्कशन हो, और बुनियाद ये है, बॉटम लाइन ये है, कोई भी विकास जो हिमालय में होगा वो यहाँ की प्रकृति के आधार पर होना चाहिए, यहाँ के लोगों के आधार पर होना चाहिए, वो विकास ही यहाँ पर टिकाऊ होगा, उसके बिना कोई विकास टिकाऊ नहीं हो सकता। सर, एक बात मैं आपसे और भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप बहुत सारी किताबें भी पढ़ते हैं, असल में हम किसे शिमला माने? कि अब जैसे मान लीजिए कि टूटू का इलाका है, उसके बाहर का इलाका है, नगर निगम शिमला के तहत नहीं आता, लेकिन बाद में एक सरकार आई और वो कह रही कि ये भी नगर निगम शिमला का इलाका हो गया, ऐसे ऐसे करके मान लीजिए कल को हम हीरा नगर तक पहुँच गए या फिर दूसरी तरफ हम ढली के भी पहाड़ चले गए, तो क्या उसे शिमला माना जा सकता है, या फिर शिमला का असल स्वरूप क्या है अभी? नहीं, शिमला तो आपको, क्योंकि जो बेसिकली अर्बन प्लानिंग टूल्स है उसमें हम लोग शिमला प्लानिंग एरिया को ही शिमला मानना चाहिए, क्योंकि वो पूरा है। शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अलग है, शिमला प्लानिंग एरिया उससे भी बड़ा है, तो आप ये मानकर चलेंगे शिमला प्लानिंग एरिया को अगर हम कंसिडर करें तो उसमें वो पूरा का पूरा एरिया आ सकता है। लेकिन अभी जो ज़्यादा संकट है अगर आप मुझसे पूछें, वो शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एरिया में ज़्यादा बड़ा संकट है, उसके कारण है ऑफकोर्स डेंसिटी हाई है, और आपको जिस तरह से आपने बिल्ड किया है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें बड़ी समस्या है, तो वो एक बड़े कारण है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे तो शिमला प्लानिंग एरिया इंपॉर्टेंट है आपके बहुत सारे कारणों के लिए, क्योंकि वो आपका बहुत सारा हैबिटेट भी देता है, लोग अपने वहाँ रोज़गार यहाँ करेंगे, वहाँ काम, वहाँ रहने जाएंगे, या वहाँ काम करेंगे तो यहाँ रहने आएंगे, तो वो एक मतलब ओवरऑल अगर प्लानिंग के हिसाब से आप देखेंगे तो वो शिमला प्लानिंग एरिया भी बेटर है। सर, एक जब आपदा आई तो हमने देखा कि प्रबंधन गायब रहा, हमने देखा कि जब पुलिस के जवान पहले स्पॉट पर आए, क्योंकि पहली जानकारी पुलिस को ही दी जाती है कि ऐसा हुआ है, पुलिस के लोग निहत्ते, ना कोई हाथ में बेलचा, ना कोई रेस्क्यू करने का साजो सामान, अगर वहाँ पर SDRF नहीं आती या बाद में NDRF मोर्चा नहीं संभालती, हमने देखा कि फागली में तो SSB के वजह से जान बच सकी, आपको लगता है कि पुलिस को भी इस तरीके से ट्रेन किया जाना चाहिए, और साथ ही साथ स्थानीय लोगों को भी कि जब आपदा आए तो उन्हें आखिर कैसे रिएक्ट करना है? क्योंकि हमने देखा कि जब वहाँ पर भूस्खलन हुआ तो आसपास के लोग तो दूर की तरफ दौड़ने लगे, क्योंकि वो डर गए थे अचानक से कि इतना बड़ा भूस्खलन हुआ और ऐसा लगा कि मिट्टी का सैलाब आ गया, तो वो ट्रेनिंग की ज़रूरत है, आपदा के साथ प्रबंधन भी होना चाहिए। देखिए, आपको इसमें मेरे बयान के साथ साथ एक हमारा ऑफिसर जो हमारे साथ थे उसका ज़रूर लेना चाहिए, वो प्रशांत सरकेक है, ADM कुल्लू थे, आजकल वो हिपा में आए हैं जी। क्योंकि हम दोनों ने मिलकर शिमला में एक प्रोसेस शुरू किया था और उसका नाम था बुआरे। अब अगर आप पहाड़ में हैं तो बुआरे का मतलब आपको समझ में आ जाएगा, बुआरे का मतलब होता है कि मिलकर, बुआरे का मतलब जानते हैं पहाड़ी में, बुआरे का मतलब ये है जैसे हमारे बोलते बुआरे चलना, किसी के बुआरे चलना मतलब मतलब आप किसी के घर में शादी है तो लकड़ी काटना मिलकर, इट्स बेसिकली ए कॉम्युनल थिंग, कॉम्युनल मतलब कम्युनिटी, साझा काम करना। तो बुआरे उसको हमने इंग्लिश एक्रोनिम में बिल्ड किया था, बिल्डिंग अर्बन अडेप्टेशन एंड रेजिलियंस इन इमरजेंसीज, बुआरे। और उसमें हमने हर वार्ड में इमरजेंट सिचुएशन को मीट करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, जैसा आप कह रहे हो एग्जैक्टली वैसे ही बिल्ड किया था। अनफॉर्चुनेट बात क्या है हमारे प्रोसेस में, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं है, क्योंकि वो ट्रेनिंग हुई 6 महीना हुई और 6 महीने तक हर वार्ड में वॉलंटियर बिल्ड किए गए और वॉलंटियर खड़े किए गए, ताकि जब आपदा आएगी वो सबसे पहले, फर्स्ट टू रिएक्ट कौन होता है? सब पुलिस भी बाद में होती, फर्स्ट टू रिएक्ट इज योर काउंसलर, तो काउंसलर उसमें हमेशा चीफ होता है, तो उसकी सबसे पहले फॉर्मर या मौजूदा काउंसलर सबसे पहले, एंड ऑफकोर्स कम्युनिटी जो है वहाँ पर। लेकिन सर, काउंसलर की समस्या भी तो ये है ना कि वो तो अपने नज़दीकी कार्यकर्ताओं को पहले वो बनाएगा। ऐसा नहीं, आपदा में ऐसा हमने देखा, ऐसा नहीं होता है कि आपको, मान लीजिए, नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि जब कमेटी बनाने की बात आती है तो सोचता है कि जो कार्यकर्ता जिन्होंने मेरे साथ काम किया उन्हें मैं पहले इसमें डाल दूँगा, उन्हीं को बुलाएं, लेकिन ट्रेनिंग तो दे, ट्रेनिंग दे बेसिकली कैसे रिएक्ट करना है। मान लीजिए अर्थक्वेक आया तो इसके लिए पूरा बुआरे में हम लोगों ने ट्रेन किया था, मुझे उसको दोबारा बिल्ड करना, कि पुलिस का काम नहीं है सब, इसलिए उसके लिए स्पेशलाइज, लेकिन वो स्पेशलाइज ट्रेनिंग आप कुछ हद तक अपने लोगों को दे सकते हो। और यही जो मैं अडैप्टेबिलिटी बार बार चिल्ला रहा हूँ,
वो ये है कि उसमें एक बड़ा काम ये है कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन और कम्युनिटी की अडेप्टेबिलिटी बढ़ाना, क्योंकि उसके बिना नहीं, आपको जब को कॉल के लिए वो आएंगे, मान लीजिए कम्युनिकेशन ही ठप हो गया, वो पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो द फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड वुड ऑलवेज बी योर नेबरहुड। तो उस नेबरहुड में आपको हर वार्ड में, वार्ड के अंदर भी हर जगह जोन में आपको ऐसे आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कौन यंग और साथ में जो मतलब इसमें ट्रेंड हो। बेसिकली स्किल डेवलपमेंट में ज़्यादा टाइम थोड़ा लगता है, 2-3 महीने में आप ट्रेन हो सकते हो, और उसका कहाँ सामान पड़ा होगा। ये नहीं होता ना कि आप बेलचा ढूंढने जाओ और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का दफ्तर बंद हो जी, जी। तो इसलिए वार्ड सभा इसका जगह है, वार्ड कमेटी इसकी जगह है। तो वार्ड सभा, वार्ड कमेटी के माध्यम से वो वार्ड स्तर पर ये सब कुछ मौजूद होना चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि पुलिस को उसमें ब्लेम किया जाना चाहिए, लेकिन आप मेरे से अगर ऑनेस्टली पूछें, इस बार मैंने पुलिस काफ़ी रिस्पॉन्सिव देखी साहब आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने काफ़ी गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स देख लिए, मतलब मैं 90 से पब्लिक लाइफ में हूँ, तो इस बार काफ़ी पॉजिटिवली रिस्पॉन्स है। अब वो गवर्नमेंट के टॉप से है या कैसे है, जो भी आप कहें, लेकिन आई फाइंड स्लाइटली बेटर देन, ऑफ कोर्स बेटर देन। सर एक आखिरी और अहम सवाल जो ना केवल यहाँ के लोगों के मन में है, बल्कि जो बाहर पर्यटक यहाँ आते हैं या फिर जो खबरें देख रहे हैं दिल्ली मीडिया के जरिए, कि क्या शिमला सच में बैठ रहा है या शिमला ढहने वाला है? नहीं यार, ये गलत है, ना शिमला बैठ रहा है ना ढहने वाला है, लेकिन इसमें कुछ वल्नरेबल जोन्स हैं और वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, उसको थोड़ा और आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, और मतलब बहुत प्रोएक्टिवली अब कुछ काम करने की ज़रूरत है, ताकि हर साल तो है, हर साल कोई ना कोई बिल्डिंग जा रही है, लेकिन शिमला पूरा बैठ रहा है मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है। मतलब हाँ, आप अगर 4 टनल बना देंगे शिमला में तो डेफिनेटली बैठ जाएगा, अगर 4 टनल आप खोदने की कोशिश करेंगे तो, अभी ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ जगह पर जोन्स बहुत वल्नरेबल है, क्योंकि इस बार आप देख रहे हो स्लाइड्स बहुत ज़्यादा है पहले के मुकाबले में। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा ऐसा शिमला नहीं है, मतलब इस तरह से नहीं है कि शिमला चल रहा है, आप और मैं अभी बैठे हैं यहाँ पर, स्कूल्स भी खुले हैं, कुछ जगह पर वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो सिर्फ एक साल का काम नहीं, वो ओवर द ईयर्स, जिस तरह से जैसे मैं कह रहा हूँ जो हमने मतलब जो अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल बिल्ड किया है उसकी वजह से वो है, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है। ठीक है सर, पूर्व डिप्टी मेयर टिकेंद्र पवार हमारे साथ थे। विकास तो चाहिए लेकिन विनाश नहीं, और विकास के नाम पर जो विनाश पूरे प्रदेश भर में मचाया जा रहा है उसे यहाँ पर रोके जाने की ज़रूरत है। और जो शब्द है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सिर्फ कागज़ों तक नहीं लेकिन ग्राउंड जीरो पर भी नज़र आना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।